आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ खलवानी इको टूरिज्म, और यहीं पे पास में होता है रिवर राफ्टिंग। तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया अट्रैक्शन है। और पीछे आप देख रहे हो ये एक ब्रिज है, बढ़िया सा ब्रिज के नीचे से जो पानी जा रहा है नर्मदा नदी का, जो कि डैम से छोड़ा जाता है, और वहाँ पर होती है रिवर राफ्टिंग। खलवानी इको टूरिज्म है अंदर, और पीछे यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होता है। ब्रिज से काफ़ी सुंदर दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज के ऊपर से नज़ारा। काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ से दिखता है, नीचे नदी जा रही है और यहीं पे नीचे रिवर राफ्टिंग होता है। वो वहाँ से रिवर राफ्टिंग होता है और वहाँ से आते आते यहाँ से इस तरह से जाती है बोट। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से अभी जब रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होगा तब। और ये जो ब्रिज है वो काफ़ी सुंदर है, अच्छा लगता है यहाँ पर खड़ा रहना। पीछे आपने जो ट्री हाउस देखा वो स्पेशल वीआईपी लोगों के लिए है, वीवीआईपी गेस्ट के लिए है। कोई पॉलिटिशियन या कोई भी वीवीआईपी आता है तो उसके लिए एक अरेंजमेंट है, बाकी नॉर्मल पब्लिक के लिए यहाँ पर टेंट फैसिलिटी है। तो ये आप देखो टेंट, पीछे इस तरह से टेंट है, ये फैमिली टेंट है जिसमें चार लोगों का अकोमोडेशन रहेगा, जिसमें टॉयलेट और बाथरूम अटैच रहेगा, जिसका जो चार्ज है वो 2500 रुपया है। अच्छा, और यहाँ आपको खाने के लिए गुजराती थाली भी मिलेगा। सज्जी का ग्रुप है, महिला का ग्रुप। एसी है या नॉन एसी? नहीं, नॉन एसी है ये। अच्छा, एसी नहीं रखा है? एसी नहीं रखा है, क्योंकि जो नाइट का एटमॉस्फेयर रहता है वो एकदम कूल रहता है यहाँ का। ये टॉयलेट और बाथरूम इसमें अटैच रहेगा आपका। अच्छा, इसके साथ में अटैच है टेंट के साथ। इसका बुकिंग कैसे होता है? इसका बुकिंग ऑफलाइन रहेगा, आपको यहाँ आके ही बुकिंग करना। अच्छा, ऑनलाइन वाला सिस्टम? ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, और ऐसे कितने टेंट है यहाँ पर? 2500 रुपये में यहाँ पर फैमिली चार टेंट है और डॉर्मेट्री तीन टेंट है। इसमें चार जन अलाउ है? चार जन, और डॉर्मेट्री में 10 लोग अलाउ है। ये डॉर्मेट्री टेंट है। अच्छा, जहाँ पे हम 10 लोगों को अलाउ करते हैं, जिसका पर बेड का चार्ज है 250 रुपया। 10 जनों का ग्रुप आएगा तो बुक होगा? हाँ, बुक होगा ये। अच्छा, और कोविड से पहले यहाँ 20 बेड रखे हुए थे, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 10 बेड किए हुए हैं। इसमें जो टॉयलेट बाथरूम कॉमन रहेगा पीछे की साइड। इसमें वैसा अटैच वाला नहीं है? अटैच वाला इसमें अलग से दिया हुआ है, अलग से कॉमन है। ये जो पीछे ये दिख रहा है ये टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं ये वाले। 10 बेड वाला जो आप टेंट देख रहे हो ये भी काफी अच्छा टेंट है, बड़ा है, जगह भी अच्छी है, पीछे सेपरेट लेटरिंग बाथरूम भी बने हुए हैं, तो अच्छा टेंट है ये भी। तो अच्छी जगह है, इको कैंप साइट है ये, और नेचर के बीच में अगर टाइम स्पेंड करना है तो बहुत बढ़िया जगह है। पास ही में यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होता है, और नर्मदा का पानी छोड़ते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, तो अच्छा खासा पानी यहाँ से नदी जाती है, और यहाँ पर ठंडक रहती है क्योंकि पानी है आसपास में रिवर राफ्टिंग के हिसाब से, तो इधर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन्होंने एसी लगाया नहीं है। और अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ सामने रिवर राफ्टिंग की तैयारी हो रही है। आज वेनसडे है फिर भी रिवर राफ्टिंग फुल है। आप देखो कम से कम 7 बोट पड़ी है और इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, तो आप समझ लो कि वीकेंड में क्या इधर माहौल होता होगा। ये मेनू है यहाँ पर जो कैफ़े है उसका, तो आप देख लेना स्टॉप करके। लिमिटेड का 150 है और अनलिमिटेड का 180 है, पर गुजराती चीज मिलती है। तो गुजराती में जो मीठा मीठा खाना आता है वो या काठियावाड़ी टाइप? काठियावाड़ी टाइप है, मीठा स्वीट नहीं ना? नहीं, काठियावाड़ी थाली टाइप। अच्छा, तो थाली में क्या क्या आता है वैसे? थाली में एक लीलोतरी सब्जी आती है, एक कठोर आता है, और चावल दाल पापड़ छाछ रोटी सब वगैरह वगैरह आता है। तो बढ़िया जगह है, आप आना जब भी आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आओ,
और यहाँ पर अच्छा खासा माहौल मुझे देखने को मिल रहा है, ठंडक है, हरियाली है और पक्षियों की आवाज़ें बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। यहाँ पे जो राफ्टिंग का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस जगह का नाम है खलवानी। हाँ ठीक है। सो हम यहाँ से राफ्टिंग करके 4.5 किलोमीटर का राफ्टिंग करते हैं। यहाँ से सूर्यकुंड नाम की जगह है, वहाँ तक हम राफ्टिंग करवाते हैं। उसके बाद हमारा पिकअप एंड ड्रॉप श्रेष्ठ भारत भवन से होता है। अच्छा। जिसका कि राफ्टिंग का चार्जेज होता है पर हेड 1000 रुपीज़, ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। यहाँ पर होते हैं चार स्लॉट, 8:30 to 10 तक होता है। सेकंड स्लॉट होता है 10:30 to 12 एंड थर्ड स्लॉट 1:30 to 3 एंड लास्ट स्लॉट 3:30 to 5। ऑल 7 डेज चालू रहता है? ऑल सेवन। इसमें मंडे को ऑफ होता है। मेरा नाम संजय, मैं यहाँ पे वन ऑफ द राम स्टेप करूँ। अच्छा, थैंक यू मिस्टर संजय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आठ उधर चले जाइए, सात एक उधर जाइए। आप में से दो स्ट्रॉन्ग फैन आउट चाहिए मुझे। ओके, आप दोनों की पैड ला रहे हैं। अगर आप गलती करते हैं तो पीछे वाला भी गलती करेगा, क्योंकि आपको फॉलो कर रहा होता है। ठीक है। जैसे आपको बताया, वर्टिकल पैडल, लीन फ्रंट, फुल बैक, एंड पीछे वाले अपने आगे वाले को फॉलो करेंगे, उन्हीं के साथ आगे आना है और उन्हीं के साथ पीछे। यूज योर बॉडी, बॉडी हमेशा यूज करना है। नाउ लीन फ्रंट एंड फुल बैक, कम ऑन, डू इट, प्रैक्टिस करो। वहाँ कहाँ पैडल लेके आया? धनुष नहीं चलाना है। क्या बोला था? वर्टिकल पैडल, तो वर्टिकली ये हाथ बिल्कुल सीधा करो। ऐसा करो सब लोग, पहले फुल बैक, ऐसे लीन पॉइंट, लीन पॉइंट, फुल बैक। हाँ यस, एक साथ पूरा हाथ पकड़ आपका नीचे, इससे पावर लगेगा बॉडी के साथ। नाउ लीन फ्रंट, वन फुल बैक, टू थ्री फोर, बॉडी यूज योर बॉडी प्लीज, यस फास्ट। अब उड़ा साथ में, जल्दी जल्दी फास्ट, हार्ड 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 का मतलब जल्दी जल्दी कर रहा है। तो ये था सुंदर खलवानी इको टूरिज्म और यहाँ का रिवर राफ्टिंग।
काफ़ी शानदार मज़ेदार एक्सपीरियंस है यहाँ पर। अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आते हो तो खलवानी इको टूरिज्म और रिवर राफ्टिंग ज़रूर करना, काफ़ी मज़ा आएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना मुझे, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए हो तो। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना, शुक्रिया।